हमारे इस आज की ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूला, एडवांस एक्सेल की फॉर्मूला। और लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था डेट एंड टाइम की फॉर्मूला, इसमें हम डेट की फॉर्मूला पढ़े थे और साथ में हमने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे और उन क्वेश्चन में से सिर्फ कुंदन कुमार जी का मेरे पास फाइल आया है, बाकी किसी का फाइल नहीं आया है। सो आई एम नॉट हैप्पी, आप लोगों ने अपने फाइल करके नहीं दिए हैं। प्लीज होमवर्क को कंप्लीट करें, अब छोटे बच्चे तो है नहीं जो आपको हम मुर्गा बना दें, और ऐसे भी मंगल है। ओके, तो ये रहा, हमने क्वेश्चन दिया था कि हमारे पास टाइम का इस तरह का फॉर्मेट आया है जिसमें डे है ट्यूजडे, अक्टूबर मंथ है, 15 डेट है और टाइम डला हुआ है, प्लस टाइम का जोन प्लस 5:30 एंड ईयर डला हुआ है। इसमें से मुझे टाइम और डेट को अलग करना है। तो यहां पे मिड का फॉर्मूला उन्होंने लगाया है कि मिड सही है, बिल्कुल सही आपने लगाया है सर, लेकिन आपने कहा जो डेट है, दिस इज नॉट अ डेट, ए टेक्स्ट है। ऐसा क्यों है प्रमोद जी, बताएंगे? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आपका जो टेक्स्ट है डेट है, वो डेट नहीं टेक्स्ट, डेट फॉर्मेट में डालते ना सर, कस्टम में लिया है सर, कस्टम नहीं, नहीं 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 कस्टम का नहीं, इसमें कस्टम की बात नहीं, इन्होंने मिड का फॉर्मूला लिया है। किसका फॉर्मूला लिया है? मिड का फॉर्मूला लिया है और इसमें कॉनकेटेनेट किया हुआ है। तो मीट का फॉर्मूला टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला है जो अपना रिजल्ट या नंबर डाले, डेट डाले, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही डालता है। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था किसका? वैल्यू का, टाइम वैल्यू का। तो टाइम वैल्यू का फॉर्मूला आप लगाएं और इसको कन्वर्ट कर दे टाइम फॉर्मेट में, बट ये भी आपका टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सर सर्च फॉर्मूला कर सकते हैं क्योंकि इससे ये तो डेट वैल्यू में डाल सकते हैं। हाँ सॉरी हाँ गलती हो गई सर, मैं गलती बोल गया। क्या मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ ना, थोड़ी सी अब धीरे धीरे एनर्जी लो हो रही है। डेट वैल्यू भी आपका नहीं दे रहा है, यहाँ पे अगर मैं डेट वैल्यू करूं तो ये डेट वैल्यू भी रिटर्न आपका वेरर करेगा क्योंकि इसमें स्पेसेस लगे, ठीक है। तो अगर मैं रिप्लेस का फॉर्मूला लगाऊं, रिप्लेस नहीं है सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला, और मैं बोलूं कि इसमें से सारे स्पेस को डैश में कन्वर्ट कर, क्या होगा? अब भी हमारा नहीं आ रहा है। तो अगर ये होता 15 अक्टूबर 2019, देन मेरा सिस्टम इसको डेट फॉर्मेट ले लेता, समझ गए? अक्टूबर 15 है तो इसलिए एक रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। क्या करेंगे सर इसके लिए? नहीं करना, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका एक और तरीका है, एक मिनट, एक तरीका है, मैं एक तरीका करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस पे पेस्ट एज ए वैल्यू करता हूँ। और हमारे पास डेटा मेनू बार के अंदर में एक है हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलन, और उसमें मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ से डिलिमिटेड में नेक्स्ट किया और यहाँ पे आपका है MDY, क्या है MDY, मंथ डेट एंड ईयर, देन आपका टाइम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है सर?
फार्मूले से कैसे होगा सर ये तो? देखता हूँ कैसे कैसे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, डेट क्रिटेरिया है। फॉर्मूले से करना है तो मुझे यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा, जिसमें मुझे करना पड़ेगा मिड। मिड फॉर्मूले में मैं यहाँ पे करूंगा तीसरा चौथा पांचवें से, इसमें इसके अंदर जाए, पांचवें से स्टार्ट करें और दो करेक्टर लें, 15 आ गया। और इसके साथ मैं डैश लगाता हूं और फिर मैं करता हूं वापस मिड, मिड लेफ्ट लेफ्ट, और हमने बोला कि इसमें से तीन करेक्टर बोले, अक्टूबर आ गया। फिर वापस हम देते हैं डैश और बोलते हैं कि मुझे राइट का फॉर्म लगाओ, इसमें से चार करेक्टर ले, और फिर इसको हम डेट वैल्यू फॉर्मूले के अंदर में डालते हैं। क्लियर सर? अगर सर ये जो पैराग्राफ में अगर जगह उसकी चेंज, पोजीशन चेंज हो सबकी अलग अलग, फिर उसमें मैं स्पेस को फाइंड करा लेंगे, बट यहाँ पे पैटर्न है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिना पैटर्न वाला भी दिखा दीजिए ना अगर। स्पेस को फाइंड आउट कर लेंगे इसको, तो इसकी चीजें तो मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्म में कवर किया था ना, इसमें लेफ्ट लाइन जैसे नेम को किया था मैंने। यस सर, किया था। हाँ तो फिर यहाँ तो हम ये बता रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं समझा रहे हैं कि कैसे, हम बोले कि किस तरह से आप डेट में कन्वर्ट करोगे। और जैसे मैंने आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम निकालना सिखाया था टेक्स्ट फॉर्मूला में, वही चीज यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, आप उसकी वीडियो देख लीजिए पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमारी डेट की कैलकुलेशन कल की क्लास में हो गई थी, आज हम टाइम की कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब टाइम लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से हम टाइम लिखते हैं। अब इस टाइम में आपके पास एक फॉर्मूला है, वो है आवर का, जो कि इसमें से आवर को अलग करता है। दूसरा है मिनट का, जो कि इसमें से मिनट को अलग करता है। तीसरा है सेकंड का फॉर्मूला, जो इसमें से सेकंड को अलग करता है। फिर आपके पास टाइम का फॉर्मूला है, जो तीनों को कंबाइन कर टाइम बना देता है। इसका यूज कहाँ होता है, तो चलिए हम टाइम की कैलकुलेशन में आते हैं। मान लीजिए 10:20 और 30 सेकंड में मुझे मान लीजिए 15 मिनट ऐड करने हैं। जो 15 मिनट है वो टाइम फॉर्मेट में है, यू कैन इजली ऐड, आपने प्लस कर दिया दोनों टाइम को, तो आपको यहाँ पे टाइम आया। बट अगर आपके पास वो 15 सेकेंड आपके नंबर फॉर्मेट में है तो दिक्कत है, क्योंकि यहां पे 1 = 24 आवर माना जाता है। क्या माना जाता है, 24 आवर। तो क्या करें, तो उस केस में आप जो है इसमें प्लस करेंगे टाइम फॉर्मूले के अंदर, ताकि आपका टाइम में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें हमने बोला कि आवर 0 है, मिनट 15 है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेकेंड 0 है, ये आपको प्लस करके दे देगा। ओके, लेकिन यहां पे एक चीज और देखिएगा कि अगर टाइम का कैलकुलेशन या कैलकुलेट की गई टाइम विद इन 24 आवर के अंदर में है, देन इट्स ओके। बट मान लीजिए कि मैं 10:20 और 30 सेकेंड पे 14 घंटे 20 मिनट ऐड करना चाहता हूं, अगर मैं इसको यहां इसमें इसमें प्लस इसमें करता हूं, तो 0.40 आ रहा है।
जबकि 24 घंटे आना चाहिए ना। तो क्या है कि 00 इक्वल टू 24 ही होता है। और अगर मान लीजिए मैं 15 कर दिया तो फिर आपका 15 15 का मतलब, हाँ फिर आपको यहाँ पे 1:40 दिख रहा है। क्यों? आप अगर इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि 1.06 हो गया, क्योंकि जैसे ही ये 24 को क्रॉस करता है एक दिन बन जाता है। तो एक दिन और एक घंटे इस तरह से इसने आपको दिया। तो उस केस में अगर आपको डिफरेंस दिखाना है तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप टाइम फॉर्मेट में जाएंगे और ये टाइम फॉर्मेट में या इंग्लिश इंडिया नहीं इंग्लिश यूएसए सेलेक्ट कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पे 37:30-35 वाला टाइम को सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आवर दिखाएगा 25 घंटे 40 मिनट। बट मुझे टाइम इन द डिफरेंस नहीं चाहिए, मुझे पता करना है कि 10:20 के 15 घंटे 20 मिनट बाद क्या टाइम आएगा। तो वहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी। तो आप डेट एंड टाइम दोनों मेंटेन करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है? कैसे? ये थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूं। हम बात करते हैं दो टाइम की डिफरेंस की। जैसे कि मैं सुबह ऑफिस 10 बजे गया, 10:20 पे गया, और शाम को मैं मान लीजिए सेम 8 बजे ऑफिस से रिटर्न हुआ, कितना घंटा काम किया? तो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट 9 घंटे 40 मिनट काम किया। बट मैं 14 मतलब कि दिन के 2 बजे ऑफिस गया और रात में 3 बजे ऑफिस से बाहर आया तो कितना घंटा काम किया? अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है। जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ बताया था वही प्रॉब्लम यहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ पे डेट चेंज है। अगर आपके पास अगर ऐसा लगता है कि आपका डेट चेंज हो सकता है कैलकुलेशन में डेट की, तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों रखें। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं 3 दिसंबर 2019 सुबह 10 बजे ऑफिस गया और 4 दिसंबर सुबह के 3 बजे ऑफिस से वापस आए। तो आप एग्जैक्टली लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम को कैलकुलेट कर हैं। इसके ऊपर जो फॉर्मेट है, ये जो 25:40 का जो फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट यहाँ अप्लाई करें। तो डेट एंड टाइम को इकट्ठा लिखे, अगर अलग अलग लिखा हुआ है तो दोनों को प्लस करें। क्लियर है? कि मुझे यहाँ पे 7 घंटे 20 मिनट है, या हाँ 7 घंटे 30 मिनट है। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 24 करता हूं तो कुछ आया? हेलो दोस्त नारायण जी, 24 दिख रहा है, 4 × 24 जी। मैंने इससे क्या समझे, मैं क्या आपको इंडिकेट किया? ये बहुत कॉमन सा कोई सवाल है और इस सवाल को मुझे बहुत परेशान किया था, बहुत ज्यादा परेशान किया था। इसको ढूंढने में मुझे काफी टाइम लग गया है सर। ये छोटी सी चीज है लेकिन इसको ढूंढने में मुझे हफ्तों लग गया था। अब क्यों बताता हूं? बेसिकली मैं एक ऑफिस की पेरोल टीम में था, राइट? वहां पे मुझे ओवर टाइम कैलकुलेट करना था। तो ओवर टाइम कैलकुलेट करना था तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह थी कि कुछ हमारी कैलकुलेशन नंबर्स में थी, कुछ टाइम में थी। अब प्रॉब्लम क्या था कि मैंने यहाँ पे एक एक कर दिया और नंबर एक कर दिया, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि एक घंटा आपने यहाँ पे कर दिया और 1 घंटा, अगर हमने 1 घंटा इस तरह से लिखा तो ये 60 मिनट का बना है। अगर मैंने यहां पे 1 नंबर लिखा तो ये आपको 100 पॉइंट से बना है, 100
डेसिमल्स का। जैसे कि आपने यहां पे 7:30 कहा, तो लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ये 7:50 में 7:30 होना चाहिए ना, बात समझे? हेलो, ये डेसिमल में ले रहा है और टाइम का हाँ, समझ मतलब रहा कि है। अगर टाइम फॉर्मेट में है तो टाइम फॉर्मेट में होने के कारण क्या है कि ये आपका नंबर इस तरह से दिख रहा है आपको, एक्चुअल में दिखा तो टाइम बट था 0.31, लेकिन आपकी कुछ कैलकुलेशन ऐसी है कि भाई 1 आवर हुआ तो मैं 500 दूंगा, समझ गए? तो अगर यहाँ पे 7:30 दिया हुआ है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 500 से, तो रिजल्ट हमारा नहीं आएगा 3500, रिजल्ट नहीं आएगा, आया है ना ऐसा? लेकिन अगर इस फॉर्मेट में होता तो वी हैव इजीली कैलकुलेट कि 7.5 × 500 एंड मैं 3750, हमारा कैलकुलेशन आ गया, समझ में आया? तो मैं क्या करता था, 7:30 था तो मुझे क्या करना होता था, मुझे इसको मिनट, इसको पहले आवर इसमें से अलग करने होते थे, क्या करने होते थे, आवर अलग करने होते थे और फिर इसमें मिनट अलग करके जोड़ता था मैं, फिर रिजल्ट आता था इन द मिनट, इसमें मिनट में आता था आवर मल्टीप्लाई बाय 60, माफ कीजिएगा 60, और फिर करते फिर हमारे मिनट में रिजल्ट आता था, फिर मैं इसको डिवाइड बाय 60 करता था, जो हमारा डिवाइड बाय 60, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता था, बात समझे? ये सर समझ में आ गया, ये 24 वाला ऊपर वाला नहीं आया देखिए बताता हूँ, बेसिकली मुझे मेरा 7.5 घंटे का, मुझे यहाँ पे 7.5 घंटे का ये है शिफ्ट है हमारा, 7.5 घंटे का ओवर टाइम है, 1 घंटे के लिए हमारे पास 500 रुपीज का प्रावधान दिया गया है, समझ गए? अब सर। मैं इस मेथड को हटा दूँ तो ये क्या है, 7.30 है, हाउ कैन कैलकुलेट, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसको 500 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ये एक्चुअल में 7.30 है बट है क्या 0.31, समझे? तो मुझे इसमें से अलग करना होगा, क्या अलग करना होगा, आवर, आवर 7 घंटा अलग, नंबर में अलग हुआ। अब मुझे इसमें, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई बाय 60 करके मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा, फिर मुझे मिनट के फॉर्मूले से मिनट को अलग करना होगा, सॉरी मिनट को अलग करना होगा, फिर दोनों को प्लस करना होगा, तो मैंने टाइम को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया एज ए मिनट, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था कि इसको हम 7.30 को 7.5 कर सके, समझे? यहां पे तो हमारे पास 1 = 500 है ना, 1 आवर, 1 इट इज आवर, तो अब यहां पे मेरे पास अमाउंट आवर के हिसाब से दिया जाने वाला है और मेरे पास डेटा मिनट के हिसाब से है, तो मुझे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, तो 1 घंटे का 500, तो 1 मिनट का कितना, 8 रुपए 333, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, 400, 1 मिनट का 8 रुपए.33 है तो 450 मिनट का क्या होगा, समझ में आया? का दूसरा ऑप्शन ही भी है सर, 450 को डिवाइड बाय 24 आवर्स करे और मल्टीप्लाइड बाय 500 करे तो भी आ जाएगा। 450, 450 मिनट्स को डिवाइड बाय 24 करे तो आवर्स में आंसर आ जाएगा।
बात वही हुआ ना, हमने अलग किया, हाँ मल्टीप्लाई एग्जैक्टली, तो होगा ना 500 से, 60 से डिवाइड तो होगा ही होगा क्या। एग्जैक्टली मैं तो इजी समझाया ना सर, मुझे इजी समझाना है ना सर हाँ हाँ आपको, बात तो ये क्लियर कॉम्प्लिकेटेड सुनो समझाएंगे तो, क्योंकि वो। आप हमारे बैच हाँ में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि अपने स्कूल लाइफ में ही कहते होंगे कि मैथ का सब्जेक्ट आया तो आया क्या क्या। जी रिसर्च करके निकाला ये ऑप्शन, हमने जस्ट अपने डे टाइम को मल्टीप्लाई बाय 24 कर दिया तो नंबर फॉर्मेट में आ गया 7.5, और मैं इजीली इसको 500 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, समझे। हेलो यस लेकिन इसमें भी एक पंगा है, इसमें सॉरी इसमें एक पंगा और होता था, जैसे कि अगर मैंने यहां पर मेरे पास ओवर टाइम निकला 37 घंटे 50 मिनट्स, अब मैं यहां पे आवर का फॉर्मूला लगाता तो क्या होता, 13 लिखा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने टाइम डिफरेंस 24 आवर से ज्यादा रखा वैसे यह दिन में कन्वर्ट हो गया, और आवर तो आवर में से आवर को अलग करता है ना, वो टाइम जेट कैलकुलेट नहीं करता है। एक दूसरा सोल्यूशन निकला मुझे, टेक्स्ट फॉर्मूला, और इसमें हमने बोल दिया इन द स्क्वायर ब्रैकेट में एम, क्योंकि डायरेक्ट मिनट में कन्वर्ट कर देता है, या एच करोगे तो आवर देगा अलग करेगा, और हमने एम कर दिया तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इस पे कर सकता हूं, एक प्रॉब्लम ये भी थी हमारे पास, ठीक है। तो टाइम की कैलकुलेशन समझ में आ गई आप लोगों को, टाइम में आप कोई टाइम में जोड़ सकते हो, टाइम का डिफरेंस निकाल सकते हो, टाइम को नंबर की तरह कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम को मिनट में सेकंड में आवर में कन्वर्ट कर सकते हो नॉर्मल तरीका से भी, और एक फाइनल तरीका से भी। इस तरीके में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपकी अमाउंट 24 आवर्स से कम है टाइम तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, अगर ज्यादा है तो फिर आप इस मेथड को अपनाएंगे। लेकिन कभी कभी कोई अगर आपके पास टाइम जो है वो दे दे टेक्स्ट फॉर्मेट, जैसे मैंने सिंगल कोड से लिख दिया, तो उसके लिए आपके पास टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम का फॉर्मेट दे दीजिए, आपका टाइम आ, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑप्शन इसमें क्या है, एक चीज अब डेट में कुछ चीजें छुट्टी हुई है, चलिए उसको हम बात करते हैं। जैसे 1-1 को जनवरी को हमने एक काम उठाया 1 साल के लिए, लेकिन क्या है कि 1 साल तो काम चला नहीं, मैं आज इस काम को खत्म कर रहा, समझे। अब मैंने एक एक साल के लिए मतलब 365 दिन के लिए मैंने, या 366 दिन के लिए मैंने पैसा जो है मान लीजिए कि 85,000 रुपये का बिल किया था। अब मैं 85,000 रुपये तो उसने नहीं दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे 27 दिन कम काम कर रहा हूँ ना, ये 27 दिन की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो आपके पास एक फॉर्मूला है ईयर फ्रीक्वेंसी, आप स्टार्ट डेट एंड डेट डाल के एंड पे मारे तो ये बताएगा कि आपने साल का परसेंट यूज किया है। मतलब वो सिंपल सा वो क्या करता है, 365 को जितना दिन है, जैसे मान लीजिए दिन आपका है, हमने निकाल दिया है डेट, और इसमें वो डिवाइड कर देता है 365, 366 जो भी लीप ईयर, 366 ऑटोमेटिक ले लेता है। अब लोग प्रॉब्लम है, जब भी आप डिफरेंस निकालते हैं तो एक दिन कम का आता है, कम क्यों आता है। अब देखिए मान लीजिए कि मैं 1 दिसंबर 2012 और मैं 3 दिसंबर, अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना, 2 है, क्योंकि 3 दिसंबर पूरा नहीं हुआ है, ये 3 दिसंबर रात के 12 बजे तक का ही ये कैलकुलेट कर रहा है,
आपको एक से तीन के बीच में एक दो तीन ऐसे काउंट करने के फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे काउंट करना है, तो फिर आपको नेटवर्क जो भी प्लस होती है उसमें एक वैल्यू को ऐड कर लेना होगा जे। तो टाइम फॉर्मूला मेरे हिसाब से कवर हो गया, फिर भी आप टाइम फॉर्मूले की कैटेगरी में जाके देखिएगा, अगर कोई डिफरेंस होगा, कोई ऐसी चीजें छूट गई होगी या फिर दोबारा कोई पढ़ना है तो मुझे बताइएगा, हम आपको ये चीज दोबारा पढ़ा देंगे। अगला टॉपिक हमारा है रेफरेंसेस फॉर्मूला। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रेफरेंसेस फॉर्मूले में, लुकअप एंड रेफरेंसेस का, रेफरेंसेस फिर लुकअप पढ़ेंगे। किसी बार कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो वीकडेज निकालना है ये तो कैसे करेंगे? वीकडेज मतलब वीकडेज का जो फार्मूला आता है ना डेट टाइम में। वीकडे का फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर मैंने आज का डेट डाला है, आज वीक का दूसरा दिन है, तो आपको ये वीकडे फॉर्मूला बताता है कि वीक का दूसरा दिन है। इसे बताना पड़ेगा आपका वीक स्टार्ट कब से होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल फॉर्मूला है, तो गल्फ कंट्री में वीक स्टार्ट होता है संडे से, हम लोग स्टार्ट करते हैं मंडे से, समझ गए? ऐसे अलग कंट्रीज हैं, तो ये नंबर्स आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे। ट्यूजडे है तो मंडे और ट्यूजडे वीक का दूसरा दिन, मतलब कि आप जो टेक्स्ट फॉर्मूले से यहाँ पे निकालते हैं डे, उसी चीज को नंबर निकालता नहीं, जैसे सर अपन 365 डेज पकड़ते हैं तो साल में 52 वीक पकड़ते हैं, तो फर्स्ट मंथ में 4 वीक हो गए, सेकंड में 4 हो गए, और इसको 22 वर्ष करें, सपोज यदि मेरा कोई प्रोडक्शन है 42 वीक का, तो 42 वीक का है तो मुझे उसका आंसर चाहिए वो कौन से महीने का प्रोडक्शन है। ईयर का तो समझ में आया, जैसे कोई एक प्रोडक्ट का आप प्रोडक्शन ये मान लो चाहते हो 41 कि है। साल का 42वां वीक का स्टार्ट डेट क्या है, एंड हाँ डेट क्या है? वीक एग्जैक्टली, वीक 42 है तो वो कौन से महीने में आएगा? जैसे 42 18 है, सपोज 18 है वो ईयर हो गया 2018, 42 वीक हो गया, ये फोर्टी इसके टू लिए वीक है कि फॉर्मूला तो कौन? नहीं है, लेकिन इसका ट्रिक्स देखना पड़ेगा, इसको हाँ कर लेता बिल्कुल, हूँ मैं, एक बार रिसर्च करके आपको बताता हूँ। हाँ ये एक्चुअली हमें काफी काम पड़ता है सर इसका बहुत, ठीक है, मैं तो इसको रिसर्च करके कल बताता हूँ आपको। जी सर। ओके बाय, गुड नाइट। बस गुड नाइट सर।